Hey, what's up, Legit Gang? और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं दानव के ट्रैक पर जिसका नाम है एविडेंट। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम रियल हिप हॉप को सपोर्ट करते हैं। यस, कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हैं, 20,000 की होने वाली है, पहले तो 19 होगी, अभी 20,000 की होने वाली है, तो कम्युनिटी ज्वाइन करें ब्रो, गैंग। सो लेट्स गो मैन। दानव सबको पसंद आया था, आएगा भी क्यों नहीं, लिरिसिस्ट है ब्रो, लिरिसिस्ट है। तो हमने जब भी सुना तो हमने सोचा भाई गाने ड्रॉप होंगे तो बनाएंगे या मौका मिलेगा तो बनाएंगे। अभी नया गिरा है और हम पे कुछ बनाने को भी नहीं है, तो यू नो, और वैसे भी बनाते अगर होता तो भी बनाते, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, वो तो क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस हो गया, हम भी थोड़े कम पड़े और गाना भी ड्रॉप हो गया। तो लेट्स गो मैन, मतलब मजा आ गया था जब भी दानव सुना था हमने, तो भाई लिरिसिस्ट ब्रो, लिरिसिस्ट लेजेंड ब्रो, ये नहीं कि एवरेज ब्रो, हाई स्टैंडर्ड वाला लिरिसिस्ट। So let's go and vibe लेते हैं क्या होने वाली है ट्रैक की। स्पष्ट एविडेंट सच है, सैटर्न वाला साइन है तो स्टार नहीं है। या या ओके, अहम दानव, लेट मी जस्ट एक्सप्रेस माय सेल्फ। ओके, जो बोलते वो करें और हम चुप नहीं बैठे, कुत्तों वाली जिंदगी हम सुस्त नहीं रहते। ए घुसते घुसते ब्रो, कुत्ते वाली जिंदगी सुस्त रहते हैं, मतलब सुस्त तो वैसे रहते हैं पर उनकी नींद ऐसी थी चट से, मतलब ऑन द स्पॉट वो एक्टिव हो जाते हैं। यस, उसी में मैं सुन रहा है। यस, तो वाली जिंदगी हम सुस्त नहीं रहते, घर वाले भी तंग अब वो कुछ नहीं कहते, सारे हमसे दुखी हम भी खुश नहीं रहते। ओ, और एक तरीके से कुत्तों वाली जिंदगी भी बता रहा है, सब घर वाले भी तंग, कुत्ते वाली भी बता रहा है, और वैसे मतलब वो दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। कुत्ते वाली जिंदगी और अब घर वाले भी कुछ नहीं कहते, ऐसी है नकारा, ये कुछ बोलने का फायदा नहीं है इसको, तो ऐसी बात। और उसने बोला कि मैं अब क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में उसने बोला सब दुखी और हम खुद हम भी दुखी रहते हैं, ऐसे ही बोल रहा है। और स्टार्टिंग में उसने कहा था कि मैं बताता हूँ कुछ ऐसा। अहम दानव, लेट मी जस्ट एक्सप्रेस माय सेल्फ। एक्सप्रेस माय सेल्फ, हां तो वही वाला एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन दिख रहा है भाई। जो बोलते वो करें और हम चुप नहीं बैठे, बहुत सही वाली जिंदगी हम सुस्त नहीं रहते, घर वाले भी तंग अब वो कुछ नहीं कहते, सारे हमसे दुखी हम भी खुश नहीं रहते। तुझसे क्या मांगू, मैंने बाप से नहीं लिया अपमान का जवाब, कभी बात से नहीं दिया बर्दाश्त से, जो बार कम सांस में किया, बिना मकसद के पेन कभी हाथ में नहीं लिया, बोले मुझको लूसीफर। एक तरीका है बोलने का, सबसे बड़ी बात तो लिरिक्स तो है, तरीका भी है, बिना मकसद, बिना मतलब मुद्दे के या बिना वजह मैंने पेन हाथ में लिया। और जब भी किसी से भसड़ हुई है तो गुस्सा धारण करने के लिए मैंने उससे कुछ नहीं बोला, जैसे वो बोल रहा है लाइन में, तो बिना सांस के पैक खींच लिया है, मतलब उसे कुछ नहीं बोला, एक तरीके से नशा बोलो कि मेरे ख्याल से ऐसी वो कुछ रेफरेंस मार रहा है, खींच लिया हाँ, वो मैंने पी लिया बिना सांस रोकी और खींच लिया, तो मतलब कुछ बोला नहीं मैंने एक तरीके से, नहीं दिया बर्दाश्त से जो बार कम सांस में किया, बिना मकसद के पेन कभी हाथ में नहीं लिया, बोले मुझको लूसीफर, ताकत मिलती दर्द से, पापी को जलाऊं लेकिन जीता मैं भी नर्क में, पहाड़ी हूं काफी जिंदगी कट जाएगी गर्व से। पापी को जलाऊं पर जीता मैं भी नरक में, ब्रो पापी मारना है पर नरक में तो मैं भी जी। भाई आगे बंदा भाई क्यों नहीं आते इसके व्यूज भाई, हम तो बहुत परेशान है भाई सच्ची में ब्रो, कितना सही लिखता है यार। जीता मैं भी नरक में, पहाड़ी हूँ काफी जिंदगी कट जाएगी गर्व से, गोल बार समर जैसे लाश होती बर्फ में, कश्मारे गहरा बंदे रहते हैं, कोल्ड मतलब कोल्ड बार्स, हाँ कोल्ड बार्स जैसे लाश होती बर्फ में, लाश हाँ किस मारा है ऐसे कर रहे, कुछ बोला है कि जैसे बर्फ में लाश, तो कोल्ड बार वैसे मेरे ऐसा है। जाएगी गर्व से कोल्ड बार समर जैसे लाश होती बर्फ में, कश्मारे गहरा बंदे समर जैसे लाश होती बर्फ में, कोल्ड बार समर जैसे लाश होती बर्फ में, ठीक है पता नहीं समझ नहीं आ रहा, हाँ बोल क्या रहा है वो तो पता चल रहा है, बर्फ में दफना रखा है ऐसा कुछ, जैसे कि जो भी फूड वूड होते हैं सी फूड बर्फ में रखते हैं वैसा टाइप का, कोल्ड बार से मेरी बर्फ में रखी हुई है संभाल के, चिल्ड करके लग रखी है, आज में है जीते हम खराब ना हो जाए, ढूंढी नहीं एक जिंदगी भी बदली मेरे बिना, जो अधूरी थी तो लिखा मैंने, जो भी उसमें खुदा की मंजूरी थी, दे डोंट केयर इट उनके बस के बाहर जाए, दूर होते खुद से ही हम जितना उनके पास जाए, जिंदगी का जुआ यहाँ शकुनी की चाले, कहीं जीतने के लालच में तू अपनों को हार जाए।
थैंक्स ब्रो। अपने सोने खामोश बगले तो मुझको आसमाना, यहाँ सड़क की असूल कोई चले नहीं कानून, यहाँ गलती से मुड़ के नहीं आना, या तो फिर मैं नहीं या तो साले तू नहीं, सड़के हैं सूनी मैं यहाँ कहूँ खूनी, या तो फिर मैं नहीं या तो साले तू नहीं, सड़के हैं सूनी और मैं यहाँ का खूनी। प्रो अगर उसकी वो फीलिंग्स वाइज ले जाओ तो भी प्रो, मैंने सबको जो भी थे रिश्ते लड़ाई छुड़ी करके सब भगा दिए, अगर रैप पे चढ़ो प्रो ये सड़के जो थी मैं हूँ खूनी, मैंने सबको मार दिया लिरिकली। एक तो उसकी फीलिंग चल रही है जो वो सोच रहा है, पर एट द सेम टाइम रैप गेम को भी लेके चल रहा है साथ ही साथ, है ना। बहुत सही ब्रो। तो फिर मैं नहीं या तो साले तू नहीं, सड़के सूनी मैं यहाँ का हूँ खूनी, गले तुम पे तो गाली दे इज्जत ना बाटे उधारी पे, क्लियर फ्लो अपना पानी से भले हम कीड़े हैं अभी भी ब्रो, एविडेंट क्लियर जो अभी हमने सर्च का भी करा था, तो ब्रो पानी जैसा क्लियर है क्यों रोशन सर। उसी मतलब ये था एविडेंट का, क्योंकि एविडेंस का तो मतलब पता था, इसका नहीं पता वो गूगल करा क्लियर करा सब। इससे ना बाटे उधारी पे क्लियर फ्लो अपना पानी से भले हम कीड़े हैं अभी भी नाली के नखरे ना पाले, खाली जो गाली में मालिक कैसल मारी। भाई मैंने पहले पॉज कर दिया सॉरी, पर वो कह रहा है कि क्लियर है पानी भले ही हम क्या कह रहे थाली के कीड़े हो, एक तरीके से कि फेम नहीं है मतलब लोग पहचान नहीं रहे मुझे, भले ही अगर तुम मेरे को उस कूड़े में कचरे में गिर रहे हो जो तुम नहीं सुन रहे, पर लेकिन क्लियर अपना है क्या भाई साहब। ये बंदा कीड़े हैं अभी भी नाली के नखरे न पाले, हम खाले जो थाली में मालिक के दे असल मारी ना खाली, ये बाकी ये सारे जो बने खिलाड़ी हम बंदे जो गाड़ी ना हारेंगे बाजी, लाश को डालू मैं बोरे में करू ना फर्क में काले और गोरे में, ज्यादा जो बोले तो ले लू मैं कोने में ठोकूंगा रबर चढ़ा के मैं लोड़े पे तोड़ेगा मारू जो घोड़े में फोड़े पे, लूजर जा तारीफ करा आपने तोते से बातों से छोटे दिमाग से। अभी वही दिमाग में चल रही थी बात, ठीक है तो आगे को पता नहीं चल रहा फ्लो बहुत तेज है, तो लेट्स गो। ज्यादा जो बोले तो ले लूं मैं कोने में ठोकूंगा रबर चढ़ा के मैं लोड़े पे तोड़ेगा मारू जो घोड़े में फोड़े पे, लूजर जा तारीफ करा आपने तोते से बातों से छोटे दिमाग से, मोटे ये लोगों को धोखे में रखे मुखौटे, ये हिंदुस्तानी खून बकचोदी ना बर्दाश्त होती, होती ना बरसात तो फिर धरती यहाँ की लाल होती, मुफ्त मिलती चीजों की कुछ पीछे छुपी। एक तरह से वो खूनी है वो कह रहा है, और बारिश पड़ गई इसलिए खून साफ हो गया वरना लाल होती, तो है पीछे से आके आगे उसी चीज को रेफरेंस दे बहुत। हेलो तुम क्या बोलूं भाई, मतलब आपको नहीं कह रहा जो देख रहे हो दानों को, जो नहीं सुन रहे ब्रो, जो कह रहे हैं कि हम हिप हॉप लिसनर्स हैं ब्रो, तो वो भाई देख लो, भाई देख लो कारीगरी। यस तीना बरसात तो फिर धरती यहाँ की लाल होती, मुफ्त मिलती चीजों की कुछ पीछे छुपी चाल होती, उम्र बढ़ती जाए उतनी जिंदगी जाए डार्क होती, ऐसा कुछ तो काम करे दिलों में जो छाप भरे, हिप हॉप नहीं तो भाई तू लोगों के बस कान भरे, बात बड़े कर ले अपने हाथ खड़े, एक थप्पड़ गर्दन टेढ़ी फिर इन्फिनिटी को तू आठ पड़े, थप्पड़ मार दूंगा रिकर्दन टेढ़ी कर दूंगा, रहा है पट मार के तो वो इन्फिनिटी का साइन है तेरे को एट दिखने लगेगा, तेरे को कड़ा रैपट मार दो गड्डी टेढ़ी हो जाएगी तेरी, टूट जाएगी एक तरीके से तो तेरे इन्फिनिटी आर्ट दिखने ब्रो, वो नॉर्मली भी बोल सकता था ब्रो, मैं गर्दन मार दो भाई थप्पड़ मारो तेरी गर्दन टेढ़ी, नहीं ब्रो उसने लिरिकली दिखाना ब्रो, अमेजिंग भाई अमेजिंग यस भाई साहब। कलमिंग तारीफ करा था ना ब्रो, तो कलमिंग सही में ब्रो है भाई प्रॉपर दम है। हीन बैठा तृप्त अपने जोन में खामोश, बगल तो मुझको आसमाना, यहाँ सड़क की असूल कोई चले नहीं कानून, यहाँ गलती से मुड़ के नहीं आना, या तो फिर मैं नहीं या तो साले तू नहीं, सड़कें हैं सूनी मैं यहाँ का हूँ खूनी। ब्रो बेस्ट है भाई ट्रैक, बहुत सही है, मतलब कोई चीज कमी नहीं है लिरिकली तो मजबूत है बहुत ही ज्यादा ब्रो, जितने पिछले सुने उसको दबा दिया गाने ने, मतलब ये सीन है, मतलब जितने भाई क्या यार भाई, मतलब ऐसे आर्टिस्टों की जब मार्केट में इज्जत नहीं है क्या सीन है भाई, हिप हॉप करके ऐसा सीन चल रहा है भाई, मतलब बहुत बुरा लगता है भाई। भाई मतलब एक होता है ना कि चल हाँ यार ठीक है उसमें कोई यूनिक बात है, भाई वो मेन गेम लिरिकली है हिप हॉप और उसका गेम बहुत ही टाइट है और वो फील भी दे रहा है, सिर्फ लिरिक्स कॉम्प्लेक्स नहीं रख रहा हो, वो फील भी दे रहा है साथ में, उसका स्टोरी टेलिंग का एक वो है वे है जो कि क्लियर समझ में आ रहा है, बहुत विजन जैसे जैसे गाने गाना है विजन क्लियर, तो वैसे वो रिप्रेजेंट जो
करने का भी क्लियर है बहुत। कोई शब्द मतलब बेवजह का तो कोई शब्द नहीं है, कोई लाइन उसमें वजह के साथ ही है भाई। सच्ची में ब्रो ऐसे आर्टिस्ट ना मतलब भाई दिमाग घुमा देते हैं कि मतलब कैसे लिख सकता है भाई इतना सही। हाँ फील के साथ ब्रो मतलब बहुत ही सही है भाई, मतलब बहुत ही सही है ब्रो। कुछ आएंगे उनको लगेगा कि भाई ये क्यों कर रहे हो इतना। ब्रो अगर आपको लग रहा है ना कि हम ज्यादा कर रहे हैं इस पे, तो भाई आपको नॉलेज नहीं है, साफ सीधी बात। और ज्यादा करने की चीज है भाई, इसलिए ज्यादा कर रहे हैं। हाँ वही, आपको नॉलेज नहीं है भाई उसके बारे में। अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई ये ज्यादा कर रहे हैं इधर बैठ के कि दोनों पे ये वो फलाना, ब्रो आर्ट रिस्पेक्ट करो, और आर्ट रिस्पेक्ट इसकी करनी पड़ेगी भाई। सच्ची बात हो, मैं रिस्पेक्ट मेरे मुंह से अजीब से क्यों निकल रहा है मुझे नहीं पता। हाँ रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि भाई दम है भाई, हद से ज्यादा दम है भाई। अच्छे अच्छे रैपर खा जाएगा ब्रो लिरिकली ब्रो। हाथा पाई वो बात अलग है, उसमें मेरे को नहीं पता कौन जीतेगा। फ्लोज भी दिखा रहा है वो, और इम्पैक्ट शुरू में वो हल्के नॉर्मली आया, मतलब फ्लो वाइज नॉर्मली आया, तेज नहीं लगा। हाँ सेकंड वर्स आ रहा है तो हमको समझ आ रहा है, अब हम रोक के बताएं तब तक तो निकल जाएगा ऐसा वाले साथ। किल इट ब्रो, मतलब दानव ब्रो भाई, मतलब कैसा लगता होगा भाई, कभी होगी बातचीत दानव भाई से तो पूछूंगा भाई, मतलब कैसा फील होता है ब्रो, मतलब इतना अच्छा होने के बाद भी आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही तो ब्रो भाई बहुत अजीब फील होता होगा। सच्ची बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल बहुत अजीब फील होता होगा ब्रो, मतलब आंसू निकल जाएंगे मेरे तो ऐसा सीन है। और दम मतलब सिंपल सी बात है, यू नॉर्मली बना लिए, बहुत मेहनत लगी वो हल्का गाना बनाएगा तो उसको जितना टाइम नहीं लगेगा। हाँ। जितना काबिलियत दिख रही है गाने इसे बनाने में और जितना वो पावर जानता है लिरिक्स की, तो हल्के गाने बनाने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर वो जोरदार लगाया जा रहा है वैसी वैसी, पर बंदे पता नहीं भाई, मतलब जो भी है भाई भाई। सो लेट्स गो मैन, मतलब भाई बहुत बाकी आपको कैसा लगा भाई ट्रैक तो हमको शेयर करो आप लोग ही, और क्या कर सकते हैं भाई। आर्टिस्ट का हमको नहीं पता कौन आर्टिस्ट शेयर करता है और कौन नहीं करता है। जो रियल है ब्रो, जो हमारे इस पे है ना भाई, जो हमें मानते हैं कि भाई हाँ कुछ चीज़ सही कर रहे हैं, तो भाई जाके मतलब अपने फ्रेंड्स को सुनाओ भाई, जो रैप 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 कर रहे होते हैं ना कि एक फेवरेट आर्टिस्ट सुन के कहते हैं कि भाई ये सुन ये सुन, उसे बोल भाई ये सुन, बिल्कुल ये सुन ये असली ब्रो, वो अलग चीज़ है, ये इसे सुन तू भाई, और ऐसा आर्टिस्ट कोई लिख के दिखा दे तो बता भाई, कोई और दे रहा है क्या? नहीं मिलेगा भाई, मुश्किल से टेक्निकल कृष्णा मिलेगा, स्मोक मिलेगा, डकैत मिलेगा, जो मतलब हैं जिन पे है अच्छा खासा, पर और अदर देन डैट ब्रो मतलब छांटने पड़ जाएंगे, बहुत बुरा है बिल्कुल। तो और ये कुछ नहीं बोलते, लेट्स गो और बाकी आपको कैसा लगा वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।